This video is brought to you by HM Ishak & Sons, Builders and Developers, Mobile Master, Color Dreams Printers, Firdaus Caterers, Hayat, The Fashion Hub, and by ASK Tours and Travel. हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोहैश हैदराबाद। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा शो चल रहा है इलेक्शन वीक, और इसमें हम अलग अलग पार्टीज़ के अलग अलग मेंबर्स से जो है मिलके उनसे उनके वर्क के बारे में, उनकी राय जान रहे हैं और उनके पार्टी के चांसेस के बारे में जान रहे हैं। इसी तरह हमारे पास TDP पार्टी के बारकस डिवीज़न एरिया प्रेसिडेंट हैं, हबीब अब्दुल्ला अल इदरोस साहब हैं। तो हम आए उनसे जानते हैं कि उनकी पार्टी क्या काम कर रही है और इस बार इलेक्शन में उनके कितने चांसेस हैं। तो हबीब साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप TDP पार्टी में कब से काम कर रहे हैं? मैं TDP पार्टी में 2011 से काम कर रहा हूँ। आपको TDP पार्टी, मतलब आप TDP पार्टी किस लिए ज्वाइन करें, क्या आपको अच्छा लगा इस पार्टी में? और दूसरे भी पार्टीज थे तो आप TDP ही क्यों चुने? TDP पार्टी मुझे इसलिए अच्छी दिखी क्योंकि बोले तो NTR साहब के टाइम से और चंद्रबाबू नायडू साहब के टाइम से डेवलपमेंट बहुत सारे चीज़ों को लेके आए हैं। जैसा कि चंद्रबाबू नायडू साहब, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, हाईटेक सिटी लेके आए, जो कि आज के दौर में लाखों की तादाद में जो है सो IT कंपनी बच्चे काम कर रहे हैं, उनको रोज़गार मिला है। और एयरपोर्ट ले लो, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी जो है सो चंद्रबाबू नायडू साहब के कारनामे है। और हमारा लुम्बिनी पार्क और जो है सो NTR गार्डन, गच्चीबौली स्टेडियम, ऐसे बहुत सारे चीज़ें थे तो जिसके लिए मुझे एक अच्छा लगा। और हमेशा चंद्रबाबू नायडू साहब डेवलपमेंट के बारे में और एजुकेशन के बारे में, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते, वो चीज़ से मैं तेलुगुदेशम पार्टी ज्वाइन करा। हर मूवमेंट में देख लो आप, चाहे वो नोटबंदी, चाहे तो प्रेसिडेंट इलेक्शन है दो या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन है दो, ट्रिपल तलाक का मामला रहें दो, हर चीज़ में BJP को सपोर्ट करी है TRS। तो किस बुनियाद पर जमात इस्लामिक TRS को सपोर्ट कर रही है? और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी के सदर ने ये कहा है कि MIM के 8 MLOs को तायद करेंगे और एक कामर रेड्डी से कांग्रेस के शब्बीर अली को तायद करेंगे और गोशा महल से वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया को। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि 8 MLA MIM TRS को सपोर्ट कर रही है, TRS BJP को सपोर्ट कर रही है, जबकि चंद्रन गुट्टे में कांग्रेस का कैंडिडेट मुस्लिम है और हमारे गोशा महल वहाँ पर कांग्रेस मुकेश गौड़ लड़ रहे हैं, वहाँ पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का तो कोई वजूद नहीं है, फिर भी आप वो कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। चार मीनार की सीट पे आप जो है सो MIM को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी मुसलमान है कैंडिडेट, मलकपेट भी मुसलमान है। तो ऐसे कई जगह हैं, कई एरिए हैं जहाँ से आप सपोर्ट नहीं कर रहे, बस ये 8 सीट को आप सपोर्ट कर रहे हैं और TRS को सपोर्ट कर रहे हैं। सब में एक बात बताता हूँ मैं आपको, पहली बात हो, ट्रिपल तलाक का जब मामला आया, TRS के 11 MP थे जो कि ट्रिपल तलाक बिल को सपोर्ट नहीं करे, मतलब अगेंस्ट नहीं करे, BJP के सपोर्ट में थे। उसके बाद राज्यसभा में बिल आया तेलुगु देशम गवर्नमेंट, जबकि BJP गवर्नमेंट के साथ में थी। तो जब ये बात आई सामने, यानी कि जितने भी उलमाएँ हैं पूरे जगह हमारे चंद्रबाबू नायडू से बात करे कि ये मुसलमान के शरीयत के ऊपर बात है ये ट्रिपल तलाक बिल का, तो उन्होंने फौरन कांग्रेस के सपोर्ट में 18 पार्टीज को लेके राज्यसभा में इस बिल को रुका है ट्रिपल तलाक की, जबकि राज्यसभा में भी TRS का MP था लेकिन उस बिल को नहीं रुकाए लोग। तो आप इस बात से नाराज़ हैं कि जो पार्टी आपके हक में बात नहीं कर रही है, आप एक जमात होते हुए उसकी तायद क्यों कर रहे हैं? तो आपकी ये नाराज़गी आप जता दिए। चलिए, और अगली जो मेरी इस आने वाले इलेक्शन के लिहाज से सवाल है कि आप इस बारकस एरिया के डिवीज़न प्रेसिडेंट हैं, इस लिहाज से मैं आपको सवाल करता हूँ कि इस एरिया का क्या रुझान है, कौन सी पार्टी का यहाँ पर पल्ला भारी है? आप तो ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, आप ग्राउंड पर हैं, तो किस पार्टी का पल्ला भारी है, किसके चांसेस? देखिए, पल्ला तो भी भारी तो नहीं बोल सकते क्योंकि बोलते तो ये टाइम में कंपटीशन बहुत टफ है, जो कि एक हम लोग जो है महाकुटुमी बोल के एक बनाए, उसमें जो है सो तेलुगु देशम, कांग्रेस और अपना TJS, CPIM ये पूरे मिलके एकजुट होकर लड़ रहे हैं इस बार में। क्यों बोले तो
हमारा चंद्रबाबू नायडू का मकसद एक ही है कि TRS को यहाँ से हटाना, क्योंकि बोले तो कुछ भी किसी के लिए भी कोई भी पार्टी के लिए या कोई भी तबके के लिए डेवलपमेंट नहीं आया। पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, जो है सो 12% रिजर्वेशन 4 महीने के अंदर देते बोल के वादा करे, 4 महीने के अंदर देते बोल के आज 4.5 साल हो गए, 12% रिजर्वेशन को जो है सो नज़रअंदाज कर दिया गया। और दूसरी बात आपको, जबकि TRS गवर्नमेंट की तरफ से सुधीर कमीशन जो है सो एक लागू किया गया, सुधीर कमीशन की रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखे हुआ है कि जो है सो जब उन लोग पूरा सर्वे करे, सर्वे करने के बाद तो उन लोग बोले कि वाकई में मुसलमान जो है सो पासमानदा ज़िंदगी गुजार रहा है, जिससे जो है सो मुसलमान 8-9% रिजर्वेशन का हकदार है, देना चाहिए। उसके बाद असम्बली में बिल को पास किया गया, पूरे ऑल पार्टी से, BJP को छोड़ के बाकी पूरे पार्टी से जो है सो बिल को पास करा गया। फिर उसको काउंसिल में पेश किया गया, काउंसिल में भी BJP एक खिलाफ ही थी, बाकी के पूरे पार्टी सपोर्ट में थी। उसके बाद उस बिल को वहाँ पर रवाना किया, सेंट्रल में रवाना किया गया। तो जब KCR साहब ने बोले कि अगर ये बिल अगर वहाँ पर बाद नहीं होंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, दिल्ली में जंतर मंतर पे बैठ के धरने देंगे, तो ये सब वादे जो है सो पूरा भूल गए। जो इलेक्शन से पहले सब वादे करे, इलेक्शन के बाद जो है सो ये पूरे बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर अब एक शोशा ला रहे हैं कि जो है सो मैं जो है सो बिल के लिए, मैं मुसलमान के रिजर्वेशन के लिए जो है सो पूरी तरह से मैं लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा, मैं जो वादा करा वो करता हूँ बोल के। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से 1-15 बार जाके मिले, कभी दिन आप रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं उठा, मतलब प्रधानमंत्री के सामने रिजर्वेशन की बात नहीं करे मुसलमान की, और आप इतने जलसे करें, आप देख लीजिए उनके जितने भी जलसे, उसमें कभी दिन जो है सो उन्होंने मुसलमान को रिजर्वेशन की बात कभी भी नहीं करे। तो किस बुनियाद पे जो है सो इनके ऊपर क्या उस पे भरोसा करके मुसलमान वोट देना। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय HM Isha Concerns बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मोबाइल मास्टर, कलर ड्रीम्स प्रिंटर्स, फिरोज केटरर्स, हया द फैशन हब, एंड बाय ASK टूर्स एंड ट्रैवल्स।